हेलो एवरीवन, और आज हम क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 1 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, जब किसी एंगल्स का जो मेजर आता है, जो सम आता है मेजर्स का, वो 90 डिग्री होता है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देन इट इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ व्हेनेवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, तो अब आई होप आपको आगे होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब हमको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, हमको उसी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको पता चल गया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ईच एंगल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाता है अदर एंगल का। ठीक है, सो अब हमको इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए कि हमको एक एंगल दे रखा है, हमको दूसरा एंगल नहीं दे रखा, हमको उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रखा। जैसे हमको 20 डिग्री एंगल दे रखा है, अब हमको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि जो कॉम्प्लीमेंट है, जो अदर एंगल है, ठीक है, वो मान लीजिए है एक्स, मान लीजिए वो है एक्स, एंड जब हम उसको ऐड करेंगे विद 20, हमारा आंसर निकल रहा है 90। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, 20 का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, और इधर लेंगे 20। ये तो आपको आता है, ये सिंपल इक्वेशन में हमने पढ़ा था, 90 माइनस 20 तो हाँ दे एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, यानी ये अगर हम 20 को ऐड करेंगे 70 से, तुम्हारा आंसर 90 आएगा। देखो, अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63। 63 का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, वही तरीका, मान लीजिए 63 का कॉम्प्लीमेंट एज एक्स, देन एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 63 इज इक्वल्स टू 93। अब 93 को हम माइनस करेंगे 63 से, अब 90 माइनस 63 देखिए, मान हमको 63 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मान लीजिए वो x है, जो दूसरा एंगल है, जो कॉम्प्लीमेंट है 63 का, जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए वो x है, देन उसको हम ऐड कर रहे हैं किससे, 63 से ऐड कर रहे हैं, जो हमारा आंसर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 जो अदर एंगल है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, 63 को माइनस करेंगे 90 से, हमारा आंसर क्या आएगा 27, यानी x इज इक्वल्स टू 27। इट मींस दैट 27 इज कॉम्प्लीमेंट टू 63, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। उसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 निकालेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 निकालने के लिए हमने क्या करेगा, हम अदर जो एंगल है उसकी, उसको हम एक्स, लेट इट बी एक्स, उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, देन उसको ऐड करेंगे हम 57 से, हमारा आंसर 90 आ जाए। देन एक मिनट, इसको शिफ्ट कर,
लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 90 है। अभी 90, अभी जो 57 माइनस 90 आया है हमारा, उसका आंसर आया 30। तो जब हमने 57 को 90 से माइनस किया तो हमारा आंसर आया 33। इट मीन्स दैट 33 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57। ठीक है, यानी कि 33 को 33 एक एंगल है, ठीक है, उसको जब हम 57 से ऐड करेंगे जो एक दूसरा एंगल है, तो हमारा आंसर 90 डिग्री आ गया, यानी कि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इट मीन्स द 33 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57। तो ये हमारा क्वेश्चन वन हमने कर लिया ऑफ एक्सरसाइज 5.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।